टायर डरते हुए कहता है, पता नहीं यार वो कौन थी, अंधेरे के कारण हम उसका चेहरा नहीं देख पाए थे, पर हाँ हम दोनों को भी यही लग रहा था कि वो यक्षिणी थी, वरना कोई लड़की इतनी रात में बंगला मुड़ा घाट पर क्या करती, वो भी अकेले। मैं तुझे बता नहीं सकता हम कितना डर गए थे, मुझे तो अभी भी बताते हुए बहुत डर लग रहा है। अभिमन्यु कायर के कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से कहता है, कायर तू डर मत, अभी हम सब है ना तेरे साथ, तो डर किस बात का है, तू ये बता आगे क्या हुआ था। कायर एक लंबी सांस लेता है, फिर कहता है, जिस लड़की को हमने देखा था ना, वो हमारी तरफ ही कदम बढ़ा रही थी, जैसे जैसे वो हम दोनों के पास आ रही थी हमारे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी, वो लड़की हमारे पास पहुंचती उससे पहले ही डर के मारे हम दोनों बेहोश हो गए। युग मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा, डर के मारे बेहोश हो गए। कायर अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, हाँ यार सच कहूं तो मुझे भी याद नहीं कि कब और कैसे हम बेहोश हो गए, जब सुबह आंख खुली तो देखा कि हम दोनों मोहित की लाश के पास लेटे हुए थे, मोहित को यक्षिणी अपना शिकार बना चुकी थी। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, मतलब मोहित की लाश को सबसे पहले तुम दोनों ने देखा था। कछुआ फटाक से कहता है, सिर्फ मोहित की लाश को हम दोनों ने सबसे पहले देखा नहीं था, बल्कि सब गांव वालों तक ये खबर भी हम दोनों ने ही पहुंचाई थी। मैंने ही रतनपाली को फोन करके बताया था कि यक्षिणी ने तुम्हारे बेटे को अपना शिकार बना लिया है, जल्दी बंगला मुड़ा घाट पर आ जाओ। कायर कछुए की तरफ देखते हुए कहता है, और यही हम दोनों की सबसे बड़ी गलती थी, हमें ना किसी को बताना ही नहीं चाहिए था मोहित की लाश के बारे में, चुपचाप अपने घर निकल जाना चाहिए था वहां से। युग पूछता है, चुपचाप घर निकल जाना चाहिए था पर क्यों, तुमने ठीक तो किया था सबको ये बात बताकर, वरना मोहित की लाश पता नहीं कब तक वहां पर पड़ी रहती। कायर अपने आप पर गुस्सा करते हुए कहता है, क्या खाक ठीक किया था, सब गांव वालों को पता है कि मोहित को यक्षिणी ने मारा है, पर वो पुलिस वाली वर्चस्वनी थोड़ी इस बात पर यकीन करती है, उसे तो अभी भी यही लगता है कि मोहित को उसके किसी दुश्मन ने मारा है। अगर मैं वर्चस्विनी को ये बात बताता कि मोहित की लाश को सबसे पहले हम दोनों ने देखा था और ये खबर हमने फैलाई थी, तो वो हम पर ही शक करती कि हमने ही उसे मारा था, इसलिए मैंने उससे झूठ बोला था कि शराब पीने के बाद हम ठेके पर ही सो गए थे। बिंदु कहती है, अच्छा तो ये बात थी, पर कायर मुझे लगता है तुझे ना वर्चस्विनी जी को ये बात बता देनी चाहिए थी, यदि बाद में किसी और तरीके से पता चली तो और मुसीबत हो जाएगी। कायर फटाक से कहता है, जैसे वो इस सवाल के लिए पहले से ही तैयार था, क्या बताता बिंदु वर्चस्विनी जी को मैं, यही कि रात में हम दोनों को नदी किनारे एक लड़की दिखी थी जिसको देखकर हम बेहोश हो गए थे, और जब सुबह उठे तो हम मोहित की लाश के साथ सो रहे थे, ये बात सुनकर ना वो सीधा मुझे और कछुए को आरोपी मानकर सलाखों के पीछे भेज देती। कायर का जवाब सुनकर सभी लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें काफी हद तक कायर की बात ठीक लगी थी। युग कुछ सोचते हुए कहता है, एक बात बताओ तुम दोनों, यक्षिणी ने तुम्हारे बंगला मुड़ा घाट पहुंचने के बाद मोहित को मारा था या उससे पहले। कछुआ याद करते हुए कहता है, पता नहीं यार, पर जितना मुझे लगता है हमारे पहुंचने से पहले ही यक्षिणी ने मोहित को अपना शिकार बना लिया होगा, क्योंकि वो हमसे पहले निकला था ना, हम तो उसके जाने के एक दो घंटे तक और पीते रहे थे, आखिर हमें फट्टे तक जो पीना था। कायर कछुए का साथ देते हुए कहता है, मुझे भी यही लगता है कि हमारे पहुंचने से पहले ही यक्षिणी मोहित को अपना शिकार बना चुकी थी, वो तो अच्छा हुआ कि हम सही वक्त पर बेहोश हो गए, वरना जिस तरह से यक्षिणी हम दोनों की तरफ उस रात को कदम बढ़ा रही थी, मुझे तो लग रहा था कि वो हम दोनों के साथ भी संभोग करके हमें मार देती। बिंदु झट से कहती है, ए कायर ऐसा मत बोलो। कछुए बिंदु के मजे लेते हुए कहता है, क्यों बिंदु तुझे कौन सी बात पसंद नहीं आई, कायर के साथ संभोग करने वाली या फिर उसे मारने वाली। बिंदु कछुए की बात का पलट कर कुछ जवाब देती, उससे पहले ही कायर कहता है, तुम्हें पता है उस रात ना बेहोश होने के बाद दो तीन बार मेरी आंख खुली थी और मैंने देखा था कि एक लड़की रेत के ऊपर पालथी मारकर बैठी है और वो खून से ना रेत पर कुछ बना रही थी। अभिमन्यु झट से पूछता है, क्या बना रही थी कायर वो रेत पर। पता नहीं यार मुझे याद नहीं, पर वहां एक दीपक जल रहा था और वो ना कुछ अजीब अजीब से मंत्र पढ़ रही थी, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सी पूजा कर रही थी। युग कुछ सोचते हुए कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यक्षिणी शिकार करने के बाद पूजा करती हो और वही कर रही हो जिस वक्त कायर की आंख खुली हो। कछुआ शर्माते हुए कहता है, अब हमें क्या पता यक्षिणी शिकार करने के बाद क्या करती है, हमें तो बस ये पता है कि शिकार करने से पहले यक्षिणी अपने शिकार के साथ संभोग करती है। बिंदु कछुए पर चिढ़ते हुए कहती है, कछुए तू ना अपना मुंह बंद ही रखा कर, जब भी मुंह खोलता है बकवास करने के लिए खोलता है। कछुआ पलट कर कहता है, क्या बकवास, बकवास क्या, मैं तो वही बोल रहा हूँ जो मुझे लगता है,
कछुआ और बिंदु आपस में झगड़ना शुरू करते उससे पहले युग कहता है, यार तुम दोनों ना चुप रहो और मुझे शांति से सोचने दो आगे क्या करना है। अभिमन्यु झट से कहता है, इसमें सोचना क्या है, हमने पहले ही तो डिसाइड करके रखा है कि कल पब्लिशर के पास जाना है किसी भी हालत में, क्योंकि वही है जो बता सकता है कि तेरे पापा ने जो यक्षिणी पर किताब लिखी थी वो कहाँ पर है। अगर एक बार हमारे हाथ में वो किताब लग गई तो हमें पता चल जाएगा कि यक्षिणी को क्या अभिशाप मिला था। युग अभिमन्यु की बात से सहमत होते हुए कहता है, सही कहा, और यदि अभिशाप का पता चल गया तो हो सकता है हम उसे उस अभिशाप से मुक्ति दिला दें और वो ये सब करना बंद कर दे। बातें करते करते कब उनका खाना पूरा हो जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता। खाना खाने के बाद योग अभिमन्यु कायर और कछुआ ग्रेवयार्ड कोठी जाने के लिए निकल जाते हैं। सुबह हो गई थी, सुबह के 7 बज रहे थे। इस तरफ हवेली में अमोदिता अपने कमरे के अंदर गर्मा गर्म चाय पी रही थी। अमोदिता सुस्कियां लेते हुए चाय पी ही रही थी कि तभी वहां पर रजनी आ जाती है और उस पर भिन्नाते हुए कहती है, तो यहाँ पर बैठी बैठी क्या कर रही है। अमोदिता नॉर्मल वे में जवाब देती है, चाय पी रही हूँ माँ, तुमको दिख नहीं रहा क्या? लगता है डॉक्टर से तुम्हारी आंखों का इलाज करवाना पड़ेगा, तुम्हारे ऊपर ना अब धीरे धीरे बुढ़ापा छा रहा है। नालायक लड़की, बुढ़ापा मेरे ऊपर नहीं तेरे ऊपर छा रहा है। तू चाय पी रही है वो तो मुझे भी दिख रहा है, पर तुझे नहीं लगता तू कुछ भूल रही है? अमोदिता अपने सिर पर जोर देते हुए कहती है, मैं कुछ भूल रही हूँ पर क्या, झाड़ू तो मैंने लगा दी है, पोछा भी लगा दिया है, चाय तो मैंने सबके लिए बना दी थी, सबको दे भी दी थी, फिर मैं क्या भूल रही हूँ। खाना बनाने की बात है तो उसकी शुरुआत तो माँ हम 8 बजे से करते हैं ना, अभी अभी तो नाश्ता किया था। रजनी चिढ़ते हुए कहती है, नालायक लड़की, तुझे हमेशा खाने पीने का ही सोचता है क्या, उसके अलावा और कुछ नहीं आता तेरे दिमाग में? माँ ये तुम मेरे खाने के पीछे क्यों पड़ी हुई रहती हो, तुमको मेरे रंग को लेकर जो बोलना है बोला करो, पर खाने को लेकर कुछ मत बोला करो, मुझे मेरे खाने से बहुत प्यार है। तुम ये बताओ ना मैं क्या भूल रही हूँ? तू भूल गई तुझे ग्रेवयार्ड कोठी जाना है युग की फोटो खींचने के लिए ताकि हम उस पर काला जादू कर सके। अरे माँ याद है मुझे, तभी तो मैंने सुबह सुबह ही अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगा दिया था। अमोदिता अपने हाथ से चार्जिंग प्लग की ओर इशारा करते हुए कहती है, वो देखो चार्ज हो रहा है मोबाइल। रजनी फिर गुस्सा करते हुए कहती है, तो अभी तक चार्ज नहीं हुआ क्या, कल की तरह लेट जाएगी क्या ग्रेवयार्ड कोठी, ताकि आज भी युग कहीं चला जाए? नहीं माँ, मैं सोच रही थी 12 बजे जाऊँ खाना बनाकर। तू ना खाना बनाते ही रह जाएगी और युग को वो यक्षिणी अपने जाल में फंसा लेगी। खाना बनाने की फिक्र छोड़, तुझे युग को अपने जाल में फंसा कर उसके लिए हमेशा खाना बनाना है, समझी? हाँ माँ मैं समझ गई, चल अब जल्दी निकल ग्रेवयार्ड कोठी। और हाँ सुन ले, युग की फोटो खींच कर ही आना, खाली हाथ मत आना। ठीक है माँ मैं जाती हूँ, पर यदि बुआ जी ने मेरे बारे में कुछ पूछा तो तुम क्या कहोगी? तू उसकी फिक्र मत कर, वो सब मैं देख लूंगी, तू बस युग की फोटो लेकर आ। अमोदिता अपनी आंखें मटकाते हुए कहती है, माँ तुमने बुआ जी को भी अपने वश में करके रखा है क्या, उन पर भी काला जादू किया है? अरे नहीं कलमू ही, कुछ लोग इतने सीधे होते हैं ना कि उन पर काला जादू करने की जरूरत नहीं होती, वो वैसे ही हमारे वश में हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा माँ आपने। इतना कहकर अमोदिता चार्जिंग पर से अपना मोबाइल निकालती है और वहां से ग्रेवयार्ड कोठी जाने के लिए निकल जाती है। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी में योग अभिमन्यु कायर और कछुआ चारों की नींद खुल गई थी और चारों पब्लिशर के पास जाने के लिए तैयार हो रहे थे। योग कछुआ और कायर तैयार हो चुके थे और अभिमन्यु वॉशरूम के अंदर था। वॉशरूम के अंदर से बाहर आता हुआ धुआं इस बात की साफ गवाही दे रहा था कि अंदर अभिमन्यु सिगरेट के लंबे लंबे कश लगा रहा था। ना ही दौलत मांगूंगा ना ही शोहरत मांगूंगा, ना ही दौलत मांगूंगा ना ही शोहरत मांगूंगा, रहे मुस्कान सदा तेरे चेहरे पर यही खुदा से दुआ मांगूंगा। युग अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, अबे हम लोग पब्लिशर के पास यक्षिणी की किताब के बारे में पूछने जा रहे हैं, कोई मुशायरा करने नहीं जा रहे हैं जो तू इस तरह से प्रैक्टिस कर रहा है। कायर झट से कहता है, यार प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, भूल गया मैं क्यों साथ चल रहा हूँ, क्योंकि तूने ही तो कहा था मेरी शायरी की किताब के सिलसिले में पब्लिशर से बात करेगा, अगर उसने कहा पहले कुछ सुनाओ तो तैयारी तो पहले से करनी पड़ेगी ना। युग कायर को समझाते हुए कहता है, पता है पापा ने मुझे एक बात बताई थी और वो ये थी कि असली शायर वो नहीं होता जो महफिल में शायरी याद करके जाता है, बल्कि असली शायर तो वो होता है जो महफिल में जाकर शायरी बनाता है। हाँ हाँ पता है मुझे, अब तू मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे, अभी मैं नया नया हूँ ना, धीरे धीरे सब सीख जाऊंगा, वक्त लगता है यार। युग कहता है, हाँ यार तू और तेरा वक्त दोनों ही किसी काम के नहीं,
ये अभिमन्यु पता नहीं इतना वक्त क्यों लगा रहा है, अभी तक वॉशरूम से बाहर नहीं आया। कायर हंसते हुए कहता है, वो इतनी जल्दी कैसे बाहर आएगा, अभी उसकी सिगरेट थोड़ी खत्म हुई होगी। वैसे सिगरेट से एक शायरी याद आई है मुझे, तू बोले तो अर्ज करूं। नहीं नहीं रहने दे। कायर रोता हुआ मुंह बनाते हुए कहता है, प्लीज भाई सुन लेना। यार तू मानने वाला तो है नहीं, फिर सुनाई दे जब तक अभिमन्यु बाहर आता है। कायर कहता है, तो अर्ज किया है, सुलग रही है जिंदगी और सुलगा रहा हूं मैं, सुलग रही है जिंदगी और सुलगा रहा हूं मैं, इस बेरहम जिंदगी के कश लगा रहा हूं मैं। युग कुछ रिएक्शन देता उससे पहले ही अभिमन्यु वॉशरूम से बाहर निकल जाता है और कहता है, वाह 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 वाह, अब मेरी सुन, हर कश तेरे नाम का लगा रहा हूं मैं, हर कश तेरे नाम का लगा रहा हूं मैं, कुछ इस तरह खुद को जला रहा हूं मैं। कायर दाद देते हुए कहता है, वाह 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 वाह, लगता है तू भी मेरे साथ रहकर शायरी सीख रहा है। शायरी कोई सीखने वाली चीज नहीं है मेरे दोस्त, वो तो अपने आप आ जाती है। युग कायर और अभिमन्यु को घूरते हुए गुस्सा करते हुए कहता है, अब ये मुशायरा हो गया हो तुम दोनों का तो पब्लिशर के पास चले, या फिर एक दो शायरी और करनी है अभी। अभिमन्यु अपने कपड़े ठीक करते हुए कहता है, अरे हाँ चल ना, मैं तो कब से तैयार हूँ, चल जल्दी पब्लिशर के पास। कायर भी अपने आप को आईने में ठीक करते हुए कहता है, हाँ चल मैं भी तैयार हूँ। कायर ने इतना ही कहा था कि तभी उसकी नजर बिस्तर के ऊपर बैठे हुए कछुए पर पड़ती है। पहली बार कछुआ इतनी देर तक शांति से बिना कुछ कहे बैठा हुआ था, चुपचाप अपना मोबाइल चला रहा था। कायर कछुए को देखते हुए हैरानी के साथ कहता है, अरे कछुआ क्या कर रहा है बिस्तर के ऊपर बैठकर। अभिमन्यु मुंह बनाते हुए कहता है, कहीं इसने सुबह सुबह ही तो देखनी शुरू नहीं कर दी, ये सब काम सुबह सुबह नहीं करते कछुआ, चल जल्दी उठ। कछुआ अभी भी कुछ जवाब नहीं देता है, वो बड़े गौर से अपना मोबाइल चला रहा था। युग कछुए के पास अपने कदम बढ़ाते हुए कहता है, आखिर ये देख क्या रहा है इतने ध्यान से। कायर और अभिमन्यु भी अपने कदम कछुए के पास बढ़ाने लग जाते हैं। जब वो तीनों कछुए के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कछुआ मोबाइल में फेसबुक चला रहा था। कायर चिढ़ते हुए कहता है, अबे यहाँ हमें देर हो रही है और तू है कि फेसबुक चला रहा है। कछुआ मोबाइल चलाते हुए कहता है, फेसबुक नहीं चला रहा हूं बल्कि ढूंढ रहा हूं। कायर झट से पूछता है, ढूंढ रहा है पर किसे। कछुआ शर्माते हुए कहता है, अपनी वर्चू को और किसे। युग हैरानी के साथ कहता है, अब ये वर्चू कौन है। कायर अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, अरे ये वर्चू और कोई नहीं है, वो पुलिस वाली वर्चस्विनी है, हमारे कछुए साहब उन्हें प्यार से वर्चू कहते हैं, कहेंगे भी क्यों नहीं, उन्हें बे इंतहा प्यार जो करते हैं। कछुआ शर्माते हुए फिर कहता है, आजकल ना ज्यादा से ज्यादा प्रेम कहानी फेसबुक पर ही बनती है, सारी सेटिंग यहीं पर हो जाती है, मैं भी ना वर्चू जी को ढूंढकर उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर यहीं पर पटा लूंगा, फिर हमारी शादी भी हो जाएगी और दो तीन बच्चे भी। अभिमन्यु कहता है, कछुए तू ना दिन में सपने मत देखा कर, तूने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी और पटा भी लिया वर्चस्विनी जी को, चल अब हमारे साथ, हमें देर हो रही है। कछुआ कहता है, रुक तो यार ढूंढने तो दे। अरे मिल गई, सही कहा है किसी ने, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे आपको मिलाने की कोशिश करती है, इतनी देर से ढूंढ रहा था मिल ही नहीं रही थी, अब जाकर मिली है। अरे ये क्या, प्रोफाइल पिक्चर क्यों नहीं दिख रही। अरे यार इस पर तो उन्होंने प्रोफाइल लॉक लगा कर रखा है। कायर हंसते हुए कहता है, वो प्रोफाइल लॉक ना तुझ जैसे लुच्चे लफंगों के लिए लगा कर रखा है, ताकि तुझ जैसे कमीने स्क्रीनशॉट ना ले सके। स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता तो क्या हुआ, अभी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूँ, मेरा दिल कहता है मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट झट से एक्सेप्ट कर लेंगी मेरी वर्चू। कायर फिर कछुए के मजे लेते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं करेंगी, ऋतिक रोशन की फोटो जो लगा कर रखी है, फेक समझकर ऐसा ब्लॉक करेगी ना तेरी प्रोफाइल को कि फिर तू कभी FB पर नहीं दिखेगा। अरे अच्छा आइडिया दिया, मैं वर्चू जी को ऋतिक रोशन की नहीं बल्कि अपनी फोटो दिखाकर पटाऊंगा, अभी चेंज करता हूँ अपनी प्रोफाइल पिक। इतना कहकर कछुआ अपने मोबाइल की गैलरी ओपन कर देता है। जैसे ही वो गैलरी ओपन करता है तो देखता है कि गैलरी के अंदर उस रात की फोटो भी थी जब वो और कायर बंगला मुड़ा घाट पर नशे में थे। कछुआ उस फोटो को देखते हुए कहता है, अरे ये तो उसी रात की फोटो है ना जिस रात मोहित को उस यक्षिणी ने अपना शिकार बनाया था। कायर झट से कछुए का मोबाइल लेकर बैक करके मेन गैलरी ओपन करते हुए कहता है, हाँ यार ये तो उसी रात की फोटो है, पर ये फोटो नहीं वीडियो है, लगता है कुछ ज्यादा ही नशे में होने के कारण उस रात तूने मेरी फोटो लेने की जगह वीडियो बना दिया था। कछुआ हैरानी के साथ कहता है,
क्या? हाँ यार शायद, अभिमन्यु कहता है हो सकता है इस वीडियो में यक्षिणी का चेहरा हो। जरा प्ले तो कर, मैं भी देखूं तो यक्षिणी कैसी दिखती है। युग भी उतावला होते हुए कहता है हाँ जल्दी कर, मुझे भी देखना है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। कछुआ, कायर और वो। कायर कहता है हाँ यार कर रहा हूँ प्ले, इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो तुम दोनों। इतना कहकर कायर वीडियो प्ले कर देता है। जब वीडियो प्ले होता है तो वो देखते हैं कि कायर नदी के पास खड़ा हुआ था और अलग अलग स्टाइल में पोज दे रहा था। कछुआ उस वीडियो के अंदर नहीं था, जिसका साफ साफ ये मतलब था कि कछुआ ही वीडियो बना रहा था। वीडियो के अंदर कायर के बस कपड़ों से समझ आ रहा था कि कायर नदी के पास खड़ा हुआ था, उसका चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा था। युग वीडियो देखते हुए कहता है ये क्या, इसमें तो कायर तेरा चेहरा ही नहीं दिख रहा है। कायर मुंह बनाते हुए कछुए की तरफ देखते हुए कहता है दिखेगा कैसे, इस कछुए के मोबाइल की फ्लैशलाइट जो खराब है। अभिमन्यु कहता है ये कछुआ भी ना किसी काम का नहीं है, एक मोबाइल तक नहीं ले सकता ढंग का। कछुआ अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है हाँ नहीं ले सकता, तुम तो जानते ही हो मेरी हालत, पैसे दे दो नया ले लूंगा, और यदि नहीं दे सकते तो अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप वीडियो देखो वरना वापस अपना मोबाइल ले लूंगा। युग प्यार से हंसते हुए कहता है अरे हम तो मजाक कर रहे थे, तेरा मोबाइल जैसा भी है बहुत अच्छा है। जैसे जैसे कायर और कछुआ वो वीडियो देखते जा रहे थे उन्हें वो सारी बातें याद आती जा रही थी जो उन दोनों ने उस रात को की थी। उन्हें वो सारी घटना याद आने लग जाती है जो उस रात उनके साथ घटी थी। वो दोनों भी उसी पल में चले जाते हैं। कायर और कछुआ बंगला मुड़ा घाट पर लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनकी लड़खड़ाती हुई चाल बता रही थी कि उन्होंने अपनी लिमिट से कुछ ज्यादा ही शराब पी रखी थी। बंगला मुड़ा घाट पर उन दोनों के सिवा और कोई नहीं था। रात का सन्नाटा छाया हुआ था। कछुआ नशे में लहराते हुए कहता है यार इस युग और अभिमन्यु ने ठीक नहीं किया, सालों ने हमें धोखा दिया, हमें अपने बचपन के दोस्तों को। कायर भी कछुआ का साथ देते हुए नशे में कहता है हाँ तूने बिल्कुल ठीक कहा मेरे दोस्त, ये दोनों ना दोस्ती के नाम पर कलंक है कलंक, ऐसे दोस्तों के होने से अच्छा तो दोस्तों का ना होना बेहतर है। लोग दोस्ती के लिए अपने प्यार को भूल जाते हैं और ये है कि यक्षिणी के डर से अपने दोस्तों से झूठ बोलते हैं। इन दोनों सालों को ना भगवान को लड़की बनाना चाहिए था। लड़की बनाना चाहिए था पर क्यों, कछुआ हंसते हुए कहता है अरे ये लड़की होते तो इनके पेट में कोई बात पछती नहीं, ये झट से बता देते इन्होंने यक्षिणी के कमरे का दरवाजा खोला था। कछुए की बात सुनकर कायर भी हंसने लग जाता है। कायर प्यार से कहता है वैसे लड़की से याद आया, बिंदु ना बहुत अच्छी लड़की है, मैं ना उससे बहुत प्यार करता हूँ, पर पता नहीं वो क्यों मुझसे प्यार नहीं करती है। अरे मेरे प्यारे दोस्त बिंदु भी तुझसे प्यार करती है, बहुत प्यार करती है, पर तुझे बताती नहीं है। मैं ना इन लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये ना लड़कों को बस अपने आगे पीछे घुमाती रहती है, ये सब इन्हें पसंद होता है, पर मैं भी ना जानता हूँ कि इन्हें लाइन पर कैसे लाया जाता है। कायर झट से पूछता है कैसे, तू ना पहले नदी के किनारे पर खड़ा हो जा। खड़ा हो जाऊं पर क्यों, अरे खड़ा तो हो। कायर लड़खड़ाते हुए नदी के किनारे पर जाकर खड़ा हो जाता है। यहाँ फोटो अच्छी आ रही है, मैंने तेरी फोटो खींचूंगा तेरे रिश्ते के लिए भेजने के लिए। क्या कहा, रिश्ते के लिए भेजने के लिए, और नहीं तो क्या, तू नहीं जानता तू ना बड़ा स्मार्ट दिखता है, जैसे ही तेरी फोटो रिश्ते के लिए भेजूंगा ना यूं लाइन लग जाएगी लड़कियों की, और जब बिंदु को ये बात पता चलेगी ना तो देखना कैसे तुझसे आई लव यू बोलती है, दौड़ी चली आएगी सीधे तेरे पास। कायर लहराते हुए कहता है ये तो बढ़िया आइडिया है, चल जल्दी फोटो खींच। कायर अपने दोनों हाथों को कमर पर रखकर पोज देने लग जाता है। कछुआ मोबाइल के कैमरे से फोटो की जगह वीडियो बना रहा होता है। नशे में होने के कारण उसे ये बात पता ही नहीं चलती है। कछुआ मोबाइल का एंगल बदलते हुए कहता है अरे जरा वो शाहरुख खान वाला पोज दे जिस पर लड़कियां मरती हैं। अभी देता हूँ। इतना कहकर कायर अपने दोनों हाथ आजू बाजू फैला कर खड़ा हो जाता है। वाह ये हुई ना बात, जरा ऊपर आसमान में देख
मौसम कितना अच्छा हो रहा है, बढ़िया फोटो आ रही है। कायर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, अरे हाँ एकदम बढ़िया मौसम हो रहा है, तेरी सूरत की तरह काले काले बादल। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, अरे मेरे दोस्त चल हो गई फोटो, आजा वापस, खींच ली मैंने जितनी फोटो मुझे खींचनी थी। कायर कछुए के पास जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। अभी उसने अपना पहला कदम आगे बढ़ाया ही था कि उसे छन से पायल बजने की आवाज सुनाई देती है। पायल की आवाज सुनकर कायर जहां पर था वहीं पर रुक जाता है। कायर हैरानी के साथ कछुए से पूछता है, कछुए तूने पायल बजने की आवाज सुनी क्या? कछुआ नशे में कहता है, पागल हो रहा है क्या, नदी के पास कहां पायल बजने की आवाज सुनाई देती है, लगता है तुझे कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। कायर को कछुए की बात ठीक लगती है, वो वापस से अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। पर जैसे ही वो अपने कदम आगे बढ़ाता है उसे फिर से पायल बजने की आवाज सुनाई देने लगती है, पर इस बार वो उस आवाज को इग्नोर मार देता है और बड़े बेधड़क होकर कछुआ के पास जाने लग जाता है। जैसे जैसे वो अपने कदम आगे बढ़ाया जा रहा था पायल बजने की आवाज आते जा रही थी। पायल बजने की आवाज काफी तेज हो गई थी जो अब कछुए को भी सुनाई दे रही थी। कछुआ कायर को रोकते हुए कहता है, दो मिनट। कायर यार मुझे भी पायल बजने की आवाज सुनाई दे रही है। कछुए की आवाज सुनकर कायर जहां पर था वहीं रुक जाता है। कायर अपनी पैंट को ऊपर खिसकाते हुए कहता है, ताकि उसके पैर अच्छे से दिख सके। अरे ये कैसे हो सकता है, मैंने तो अपने पैरों में पायल भी नहीं पहनी, फिर पायल बजने की आवाज कैसे सुनाई दे रही है? कछुआ कायर के पैर देखते हुए कहता है, अरे ये तो गजब हो गया, तेरे पैरों में तो जादू है जादू, बिना पैरों में पायल के बजने की आवाज सुनाई दे रही है। कायर और कछुआ इतने नशे में थे कि उन्हें पता ही नहीं था कि ये कोई मामूली घटना नहीं थी बल्कि एक पारलौकिक घटना थी। ये सब उन्हें मजाक लग रहा था। कायर यहाँ से वहां कूदने लग जाता है पायल की आवाज सुनने के लिए, कछुआ भी उसका साथ देने के लिए कूदने लग जाता है। वो दोनों इतने नशे में थे कि उन्हें कुछ होश ही नहीं था। कछुए ने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था जिसमें रिकॉर्डिंग चालू थी और सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। वो दोनों यहाँ से वहां कूद रहे थे कि तभी पायल बजने की आवाज बंद हो जाती है। कछुआ उदास होते हुए कहता है, अरे ये क्या, पायल की आवाज आनी बंद कैसे हो गई, कितना मजा आ रहा था नाचने में। कायर कछुए का साथ देते हुए कहता है, हाँ यार अभी तो मजा आना शुरू हुआ था। कायर ने इतना कहा ही था कि तभी एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, सही कहा अभी तो मजा आना शुरू हुआ था, पर फिक्र मत करो अभी तुम्हें और मजा आएगा, ऐसा मजा कि तुम फिर कभी किसी चीज का मजा नहीं ले पाओगे। लड़की की आवाज सुनकर कायर और कछुआ दंग रह जाते हैं। उनकी जान उनके हलक में आ गई थी क्योंकि नशे की हालत में भी उन्हें ये पता था कि नदी के पास रात के वक्त सिर्फ एक ही लड़की की आवाज सुनाई देती है और वो है यक्षिणी। जैसे ही उनके मन में यक्षिणी का ख्याल आता है उनका सारा नशा उतर जाता है। पायल बजने की आवाज फिर से सुनाई देने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन दोनों की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था, वो आवाज उनके पीछे से आ रही थी। जब वो डरते हुए पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि उनसे करीब 100 मीटर की दूरी पर एक लड़की खड़ी हुई थी। अंधेरे में खड़े होने के कारण उसका चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा था, बस पूरे शरीर की एक काली परछाई दिख रही थी, पर उस परछाई से ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि उस लड़की का सुडौल और भरा हुआ बदन था। वो लड़की वहीं पर खड़े होकर कहती है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी इतनी रात में, ये तो मेरा वक्त है। उस लड़की के सवाल से ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की कायर और कछुए को पहले से जानती थी। कायर और कछुआ तो इतना डर गए थे कि उनकी बोलती ही बंद हो गई थी। वो लड़की अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, चलो कोई बात नहीं, अब तुम दोनों आ ही गए हो तो खेल शुरू करते हैं, बड़ा मजा आएगा। एक का शिकार तो हो चुका है, दो शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गए। कायर और कछुआ बड़ी मुश्किल से एक घूंट गले से नीचे उतारते हैं। लड़की कहती है, पहले किसे शिकार बनाऊं, कायर तुझे या कछुआ तुझे? कायर और कछुआ तो ये सोचकर हैरान थे कि उस लड़की को उनके नाम कैसे पता थे। वो दोनों एक दूसरे की सूरत देखने लग जाते हैं। अरे तुम दोनों तो कोई फैसला ही नहीं ले पा रहे हो, चलो मैं ही बता देती हूँ, पहले मैं किसे शिकार बनाऊंगी, न कायर को न कछुए को, तुम दोनों को मैं एक साथ शिकार बनाऊंगी, आज रात बड़ा मजा आने वाला है, डबल डोज। ये बात सुनकर कायर और कछुए की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो लड़की अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहती है, तो क्या बोल रहे थे कायर तुम, कि मौसम कमाल का हो रहा है? हाँ
सही कहा, बहुत कमाल का। नदी को तो देखो कितनी शांति के साथ बह रही है, पर अब उसके अंदर एक तूफान आने वाला है। वो लड़की गाना गाते हुए कायर और कछुए की तरफ कदम बढ़ाती है। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल समा। जैसे जैसे वो लड़की उन दोनों की तरफ अपने कदम बढ़ाते जा रही थी, वो दोनों डर के मारे कांपे जा रहे थे। उस लड़की के चलने की स्पीड से कई गुना ज्यादा स्पीड से इस वक्त उन दोनों के दिल की धड़कनें चल रही थी। वो लड़की उन दोनों के पास पहुंचते उससे पहले ही डर के मारे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। वो दोनों रेत पर ही गिर जाते हैं। कछुए के हाथ का मोबाइल कुछ इस तरह गिरता है कि उसके अंदर रिकॉर्डिंग चालू ही रहती है। लड़की की काली परछाई उसके अंदर दिख रही थी। वो लड़की हंसते हुए कहती है, ये दोनों भी ना बड़े डरपोक हैं। अब बेहोश लड़कों के साथ करने में थोड़ी मजा आता है, चलो इन्हें फिर कभी अपना शिकार बनाऊंगी। अभी जिसे शिकार बनाया है उसका खेल पूरा करती हूँ। इतना कहकर वो लड़की जहां से आई थी वहीं पर जाकर जमीन पर रेत के ऊपर ही बैठ जाती है। वो लड़की मन ही मन कोई मंत्र सा बड़बड़ाते हुए अपने हाथों की उंगलियों से रेत के ऊपर कुछ बनाने लग जाती है। जैसे जैसे वो रेत के ऊपर अपना हाथ फेर रही थी उसके हाथों के नाखूनों से खून निकलते जा रहा था। रेत के ऊपर ऐसा लग रहा था जैसे छोटी छोटी नालियां हो जिसके अंदर खून की धारा बह रही थी। कुछ ही देर में वो लड़की रेत के ऊपर खून से एक गोला और उसके अंदर एक स्टार बना देती है। गोले का व्यास करीब 10 इंच था। उस लड़की के पास कई सारे कमल के फूल थे जिसे वो गोले के चारों तरफ लगा देती है। वो लड़की मंत्र पढ़ते हुए कहती है, ओम हीम कामेश्वरी स्वाहा, ओम ह्रीम कामेश्वरी स्वाहा। इतना कहने के बाद अचानक से उसके हाथ में कहीं से इंसान का दिल आ जाता है जो कि अभी भी धड़क रहा था। वो दिल खून से लथपथ था। वो लड़की उस दिल को स्टार के एकदम बीचों बीच रखती है। वो लड़की कहती है, दीप प्रदानम। अचानक उसके हाथ में कहीं से दिया आ जाता है। वो लड़की उस दिए को दिल के ऊपर रख देती है। वो लड़की अपनी आंखें बंद करती है और मंत्र पढ़ने लग जाती है। विदेही देवी कल्याणम, विदेही परमाम श्रियम, रूपम देही जयम देही यशम दे यशो देही द्विशो जही। वो लड़की बार बार यही मंत्र दोहराते जा रही थी। देखते ही देखते दिए की लौ अपने आप जल जाती है। वो दिए की लौ की आग इतनी बढ़ जाती है कि आसपास के कमल के फूलों में भी आग लग जाती है। वो जगह गर्म हो जाती है, इतनी गर्म कि ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की सूरज के पास बैठी हुई हो जिसकी आग में वो लड़की जल जाएगी। पर उस लड़की को कुछ नहीं हो रहा था, वो एक मायावी लड़की थी। देखते ही देखते आग की लौ कम होने लग जाती है, इतनी कम कि दिल के ऊपर रखा हुआ दिया दिखने लग जाता है। वो लड़की दिए के नीचे से दिल को बाहर निकालती है, उसे अपने हाथ में रखकर पहले तो अपनी लंबी जीभ से चाटती है, फिर एक ही बार में निगल लेती है, जैसे वो किसी इंसान का दिल नहीं बल्कि कबाब हो। वो बड़ी मौज के साथ उसका स्वाद ले रही थी। वो अभी अपने हाथ चाट ही रही थी कि तभी उसकी नजर मोबाइल के कैमरे पर पड़ती है जिसके अंदर अभी तक का सारा वाकया रिकॉर्ड हो गया था। उस मोबाइल के अंदर अंधेरे में बैठी लड़की की सिर्फ लाल लाल आंखें दिख रही थी जो मोबाइल के कैमरे को घूर रही थी। उस लड़की की लाल आंखें देखकर कायर, कछुआ, युग और अभिमन्यु डर जाते हैं। उस लड़की की लाल आंखें देखते देखते वीडियो अपने आप बंद हो जाता है। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, ओ माय गॉड, तेरी और कछुए की एक बेवकूफ सी हरकत ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। हो ना हो, इस लड़की की हरकतों से ऐसा लग रहा था जैसे यही यक्षिणी थी। युग अभिमन्यु का साथ देते हुए कहता है, हाँ वो तो मुझे भी लग रहा है, पर ये कर क्या रही थी, मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आया। अभिमन्यु झट से कहता है, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई सी पूजा कर रही थी। हो सकता है कि मर्दों का शिकार करने के बाद वो पूजा करती हो। कायर अभिमन्यु और युग को बीच में टोकते हुए कहता है, वो पूजा कर रही थी या क्या कर रही थी हमें उससे क्या मतलब, मुझे तो मेरी बेगुनाही का सबूत मिल गया। मैं वर्चस्विनी जी को जाकर ये वीडियो दिखाऊंगा तो वो जरूर यक्षिणी पर यकीन करने लग जाएगी कि ये कोई अफवाह नहीं बल्कि हकीकत है। कछुआ शर्माते हुए कहता है, हाँ यार सही कहा, इसी बहाने मैं अपनी वर्चू से भी मिल लूंगा। युग कहता है, पर अभी तो हमें पब्लिशर के पास जाना था ना यक्षिणी की किताब के बारे में पता करने, क्योंकि वर्चस्विनी यक्षिणी पर भरोसा करे या नहीं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन यदि यक्षिणी के अभिशाप से हमने उसे मुक्ति नहीं दिलाई तो अगली अमावस्या की रात किसी न किसी की जान फिर जाएगी, और ये भी हो सकता है कि वो हम में से कोई एक हो। कछुआ डरते हुए कहता है, ये तू क्या बोल रहा है, हम में से कोई एक कैसे हो सकता है, वो यक्षिणी क्या तुझे बताकर गई है।
सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। युग चिढ़ते हुए कछुए के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, यार कछुए तू कैसी बातें कर रहा है? यक्षिणी मेरी कोई रिश्तेदार थोड़ी है जो मुझे बताकर जाएगी कि उसका अगला शिकार कौन है। मैं तो बस इस बेस पर कह रहा हूँ कि जरा खुद ही सोच कर देख। यदि अमावस्या की रात उसे कोई मर्द नदी पार करने वाला नहीं मिला तो वो अपना शिकार करने इसी ग्रेवयार्ड कोठी में आएगी ना। भूल गया, ये ग्रेवयार्ड कोठी उस यक्षिणी का दूसरा ठिकाना है। अभिमन्यु युग की बात से सहमत होते हुए कहता है, यार ये युग की बात में दम तो है। ऐसा हो सकता है, हमें जल्दी से जल्दी यक्षिणी के अभिशाप के बारे में पता लगाना चाहिए। युग झट से कहता है, तभी तो मैं कह रहा हूँ हमें पब्लिशर के पास जाना चाहिए मेरे पापा की किताब का पता लगाने के लिए। कायर युग की बात को काटते हुए कहता है, पर यार मुझे अपने आप को बेगुनाह भी तो साबित करना है। वर्चस्विनी जी को तो यही लगता है ना कि मोहित का खून मैंने और कछुए ने मिलकर किया है, और सिर्फ वर्चस्विनी जी को ही नहीं, कल रात बिंदु की सूरत देखकर लग रहा था जैसे उसे भी यही लगता है। युग गुस्सा होते हुए कहता है, तो फिर क्या करें तू ही बता। पब्लिशर के पास नहीं जाएं, यक्षिणी के अभिशाप के बारे में पता ना करें। कायर फटाक से कहता है, मैंने कब कहा ऐसा कि यक्षिणी के अभिशाप के बारे में पता नहीं करते हैं। एक काम करते हैं, तुम लोग पब्लिशर के पास जाओ, मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ ये वीडियो वर्चस्विनी जी को दिखाने। ये वीडियो देखकर वो समझ जाएंगी कि मैं और कछुआ बेगुनाह हैं। युग हैरानी के साथ कहता है, पर यार पब्लिशर के पास तो तुझे भी जाना था ना तेरी शायरी की किताब के सिलसिले में बात करने के लिए, तेरे लिए ही तो रुके थे हम। कायर उदास होते हुए कहता है, बात करनी तो थी यार, पर क्या करूं, इस वक्त मेरे लिए ये ज्यादा जरूरी काम है। मुझे पता है बिंदु मुझसे नाराज है, उसकी नजरों से मैं गिर चुका हूँ। अब जब तक मैं अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर देता मैं उसके सामने नहीं जा सकता, इसलिए मुझे ये वीडियो वर्चस्विनी जी को दिखाना ही होगा। तुम तीनों पब्लिशर के पास जाओ, मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ। और रही बात शायरी की बुक पब्लिश कराने की, तो ये काम बाद में भी हो सकता है। इस वक्त जो दाग मेरे दामन पर लगा है उसे साफ करना जरूरी है। कछुआ नजरें चुराते हुए कहता है, अरे तू अकेले कैसे जाएगा, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ, आखिर मैं भी तो फंसा हूं ना। कायर कछुए की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ मुझे सब पता है तू क्यों चल रहा है मेरे साथ, इसी बहाने तू तेरी वो वर्चू से जो मिल लेगा आ गई होगी, याद है ना। कायर की बात सुनकर कछुआ शर्माने लग जाता है। अभिमन्यु उन दोनों के बीच में बोल पड़ता है, अब तुम दोनों बातें करना बंद करो और चलो जल्दी, युग और मैं तुम दोनों को बंगला मुड़ा बस स्टॉप तक ड्रॉप कर देते हैं, और वहां से तुम दोनों मेहंदी पथार पुलिस स्टेशन जाने के लिए बस पकड़ लेना। कछुआ हंसते हुए कहता है, अरे अब बंगला मुड़ा बस स्टॉप तक छोड़ रहा है तो सीधे मेहंदी पथार पुलिस स्टेशन तक ही छोड़ देना। अभिमन्यु चिढ़ते हुए कहता है, छोड़ क्यों दूं, हम दोनों भी साथ ही चलते हैं ना, फिर मतलब क्या रह जाएगा इतना लंबा डिस्कशन करने का, हमें वक्त बचाना है, वक्त बहुत कम है हमारे पास। गुवाहाटी पहुंचकर वहां पर फ्लाई ड्रीम पब्लिशर को भी ढूंढना है हम दोनों को, इसलिए बस बंगला मुड़ा बस स्टॉप तक ही छोड़ सकते हैं। कछुआ सिर नीचे झुकाते हुए कहता है, ठीक है वहीं तक छोड़ दे। इतना कहकर कछुआ कमरे से बाहर निकलने लग जाता है। उसी के पीछे पीछे युग, अभिमन्यु और कायर भी कमरे से बाहर निकल जाते हैं। इस तरफ अमोदिता धीरे धीरे अपने कदम ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ बढ़ा रही थी। अमोदिता ग्रेवयार्ड कोठी से करीब 100 मीटर की दूरी पर थी। रास्ते में चलते वक्त अमोदिता यही सोच रही थी कि वो कैसे युग की फोटो खींचे, क्या बहाना बनाए कि वो युग की फोटो खींच सके। अमोदिता के दिमाग में अभी तक कोई आइडिया नहीं आया था। अमोदिता के सामने ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा था। अमोदिता ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए खुद से कहती है, क्या बोलूंगी मैं युग जी से, कैसे खींचूंगी युग जी की फोटो, अगर फोटो नहीं ले गई तो माँ मुझे कच्चा चबा जाएगी। अमोदिता तू एक स्वादाइन है, तू ये काम कर सकती है, अपना स्वादाइन वाला दिमाग चला अमोदिता और सोच कि कैसे युग जी की फोटो खींचनी है, सोच अमोदिता सोच। यही बड़बड़ाते हुए अमोदिता ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे के पास पहुंच जाती है।
अमोदिता ने ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा खटखटाने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि तभी अपने आप दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है वो देखती है कि उसके सामने युग खड़ा हुआ था जिसने दरवाजा खोला था। युग के साथ ही युग के दोस्त कायर, कछुआ और अभिमन्यु भी खड़े हुए थे। युग अमोदिता को दरवाजे पर देखकर शॉक्ड हो जाता है और हैरानी के साथ पूछता है, अरे अमोदिता तुम यहाँ पर, वो भी सुबह सुबह, कुछ काम था क्या? इस वक्त अमोदिता का ध्यान युग के सवाल पर नहीं बल्कि उसके साथ खड़े उसके दोस्तों पर था। वो मन ही मन सोच रही थी, ये युग जी के दोस्त तो इनका साथ छोड़ते ही नहीं है, जब देखो चुंबक की तरह इनसे चिपके रहते हैं। अगर युग जी अकेले मिलते तो किसी ना किसी बहाने से फोटो खींच ही लेती, पर अब फोटो कैसे खींचू, क्या बोलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। काफी देर तक जब अमोदिता कुछ जवाब नहीं देती है तो युग फिर पूछता है, अमोदिता मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, जवाब तो दो, कहां खो गई? कछुआ हंसते हुए कहता है, लगता है ये भी मेरी तरह किसी से प्यार करती है, मैं कैसे रह रहकर वर्चू जी के ख्यालों में खो जाता हूँ, ये भी किसी के ख्यालों में खो गई है। इसे ही तो प्यार कहते हैं, जब आप किसी के सामने रहकर भी किसी और के ख्यालों में खोए रहते हो। अभिमन्यु कछुए के कंधे पर हाथ मारते हुए कहता है, तू दो मिनट चुप रहेगा, अपनी ये लव फिलोसफी के भाषण देना बंद करेगा। युग अमोदिता पर दबाव बनाते हुए फिर पूछता है, अरे अमोदिता यू मूर्ति बनकर क्यों खड़ी हो, अब बोलो भी सुबह सुबह यहाँ पर कैसे, किस काम से आई हो, हमें देर हो रही है, हमें जाना है कहीं, बोलो जल्दी। अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, मैं यहाँ पर किस काम से आई हूँ, वो युग जी, मैं ना यहाँ पर आपकी फोटो। अमोदिता ने इतना ही कहा था कि वो चुप हो जाती है। वो मन ही मन सोचने लगती है, ये मैं क्या कर रही हूँ, अगर मैंने ऐसे ही बोल दिया कि मैं युग जी आपकी फोटो खींचने आई हूँ तो युग जी मुझ पर शक करने लगेंगे, ये अभिमन्यु जी युग जी के साथ ही है, ये तो जब देखो मेरे काम में टांग अड़ाते रहता है, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। युग अमोदिता को हिलाते हुए कहता है, अरे फिर खो गई तुम, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, जल्दी जवाब दो, क्या काम है, क्यों आई हो यहाँ पर। अमोदिता का दिमाग चल जाता है और वो झूठ बोलते हुए कहती है, वो युग जी मैं ना आपसे मिलने आई थी, मुझे बुआ जी ने भेजा था। युग बौखलाहट के साथ पूछता है, बुआ जी ने मतलब बड़ी माँ ने, क्यों क्या हुआ अमोदिता, सब ठीक तो है ना, कहीं बड़ी माँ की तबीयत तो खराब नहीं है। अमोदिता फटाक से जवाब देती है, अरे नहीं नहीं युग जी, बड़ी माँ तो एकदम ठीक है, तो फिर बड़ी माँ ने क्यों भेजा है तुम्हें? वो उन्होंने मुझे आपका हालचाल पूछने के लिए भेजा है। युग उदास होते हुए कहता है, अच्छा पर बड़ी माँ भी तो आ सकती थी ना, तो उन्होंने तुम्हें क्यों भेजा? अमोदिता मन ही मन सोचने लग जाती है, ये युग जी भी ना डिटेक्टिव की तरह एक के बाद एक सवाल पूछते ही रहते हैं, अब क्या जवाब दूं मैं इन्हें, क्या जवाब दूं, हाँ ये आइडिया ठीक है, यही बोल देती हूँ। अमोदिता जानबूझकर नाटक करते हुए उदासी के साथ कहती है, वो युग जी बुआ जी तो आना चाहती थी, पर आप तो फूफा जी को जानते ही हैं, उन्होंने मना करके रखा है, वो बहुत नाराज है आपसे, आपने वो यक्षिणी के कमरे का दरवाजा खोल दिया ना इस चक्कर में। युग कुछ जवाब नहीं देता है। अमोदिता अपना नाटक जारी रखते हुए कहती है, फूफा जी ने आपसे बात तक करने के लिए मना किया है तो क्या हुआ, आप तो बुआ जी को जानते ही हैं, उनका दिल कितना साफ है, एकदम पानी की तरह, उनके दिल में आपके लिए कितनी ममता भरी पड़ी है, वो अपनी ममता को नहीं रोक पाई और उन्होंने मुझे आपके पास भेज दिया आपका हाल चाल पूछने के लिए, वो बेचारी बहुत डरी हुई है और परेशान है आपको लेकर। युग अपना मुंह फाड़ते हुए पूछता है, बड़ी माँ डरी हुई और परेशान है मुझे लेकर, पर क्यों, परेशानी नहीं होगी तो और क्या, आप यक्षिणी के दूसरे ठिकाने पर रह रहे हैं और अब तो वो आजाद भी हो गई है, तो बड़ी माँ ने मुझे यही पूछने के लिए भेजा है कि आप ठीक तो हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है यहाँ पर आपको रहने में, अगर हो रही है तो आप मेरे साथ हवेली चल सकते हैं, बुआ जी फूफा जी से बात कर लेंगी। युग अमोदिता को मना करते हुए कहता है, नहीं नहीं अमोदिता मैं यहीं पर ठीक हूँ, ये ग्रेवयार्ड कोठी ज्यादा सुरक्षित है पराए लोगों के बीच में रहने से। अमोदिता समझ जाती है कि ये तंज युग ने दिलीप के लिए ही कसा था। युग अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, बड़ी माँ से कहना मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वो मेरी फिक्र बिल्कुल भी ना करे, साथ ही अपना और वंदना भाभी का भी ख्याल रखें। देखो अमोदिता तुम यहाँ पर आई मुझे अच्छा लगा, पर अभी मुझे बहुत देर हो रही है, मैं निकलता हूँ, मुझे जरूरी काम है। अमोदिता हैरानी के साथ पूछती है, क्या कहा, जरूरी काम है, पर क्या जरूरी काम है युग जी आपको, आपको पता है मैं कितनी मुश्किल से नदी पार करके आई हूँ और आप हैं कि मेरे आते ही कहीं जा रहे हैं। अमोदिता मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, पर मेरा जाना जरूरी है, ये काम कैसे भी करके आज ही हो जाना चाहिए वरना बहुत देर हो जाएगी। अमोदिता पूछती है, पर क्या काम है युग जी आपको?
आप बताएंगे? युग अमोदिता के सवाल का कुछ जवाब देता उससे पहले ही अभिमन्यु उन दोनों के बीच में बोल पड़ता है। अरे क्या कर रहा है युग, कितनी बातें करेगा, जल्दी चल, हमें देर हो रही है पब्लिशर के पास जाने के लिए। अमोदिता मन ही मन अभिमन्यु को ताने देने लग जाती है। इस अभिमन्यु के बच्चे ने फिर टांग अड़ाई, इसका भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पहले ये युग जी को अपने वश में कर लूं, फिर ये अभिमन्यु पर तो ऐसा काला जादू करूंगी ना कि दूसरों के मामलों में टांग अड़ाना ही भूल जाएगा। युग बिना अमोदिता से कुछ कहे झट से ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा लगाता है। ताला लगाने से पहले उसके मन में अमोदिता का ख्याल आता है और वो उससे पूछता है, अमोदिता तुम इतनी मुश्किल से नदी पार करके आई हो तो थक गई होगी, अगर तुम यहाँ पर रुककर आराम करना चाहो तो कर सकती हो, मैं दरवाजा खुला ही रख देता हूँ, बाद में तुम ताला लगाकर चाबी यहीं पर रख देना, वैसे भी यहाँ कोई नहीं आता। पहले तो अमोदिता के मन में आता है कि वो युग की बात मान ले और थोड़ी देर आराम कर ले, वो सच में नदी पार करके काफी थक चुकी थी। पर तभी उसके मन में वो वाक्य आता है जब वो युग का बाल लेने ग्रेवयार्ड कोठी में आई थी और यक्षिणी ने युग के कमरे में उसके साथ क्या हरकतें की थी। अगर सही वक्त पर युग नहीं आता तो यक्षिणी उसकी इज्जत के साथ भी खेल चुकी होती। अमोदिता डरते हुए कहती है, नहीं नहीं युग जी, आप ताला लगा ही दीजिए, मैं अकेले नहीं रुक सकती इस ग्रेवयार्ड कोठी में, मुझे उस यक्षिणी से बहुत डर लगता है, आपको नहीं पता उसकी हरकतें कैसी हैं। युग अमोदिता की बात पर ध्यान नहीं देता और ग्रेवयार्ड कोठी में ताला लगाने लग जाता है। अमोदिता रजनी के बारे में सोचकर डरने लगी थी। वो मन ही मन सोच रही थी, आज तो मेरी खैर नहीं, माँ मुझे नहीं छोड़ेगी, कहेगी नालायक लड़की तो किसी काम की नहीं है, एक फोटो तक युग की नहीं ला पाई, ऐसे सौदाइन बनेगी। ताला लगाने के बाद युग बाइक के पास जाकर बाइक चालू करने लग जाता है। कायर, कछुआ और अभिमन्यु भी युग के पीछे ही बाइक पर बैठ जाते हैं। युग बाइक चालू कर ही रहा था कि तभी अमोदिता के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो खुद से कहती है, माँ को बस युग जी की फोटो ही तो चाहिए ना, वो मैं अभी खींच देती हूँ। इतना कहकर अमोदिता अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करती है और युग बाइक चालू करके वहां से निकल पाता उससे पहले ही अमोदिता उसकी फोटो क्लिक कर देती है। युग के साथ साथ बाइक के ऊपर बैठे कायर, कछुआ और अभिमन्यु की भी उसके अंदर फोटो आ जाती है। युग और उसके दोस्त वहां से निकल जाते हैं। अमोदिता खुद से कहती है, हूं ना आखिर मैं भी एक कट्टर सौदाइन, जिस काम के लिए मैं आई थी वो मैंने कर ही दिखाया, सौदाइन कभी खाली हाथ नहीं जाती, अपने काम को अंजाम तक पहुंचा कर ही रहती है। इतना कहकर अमोदिता वापस से अपने कदम हवेली की तरफ बढ़ाने लग जाती है। युग और अभिमन्यु ने कायर और कछुए को बंगला मुड़ा बस स्टॉप पर ड्रॉप कर दिया था। युग और अभिमन्यु गुवाहाटी पहुंच गए थे। युग बाइक चला रहा था और अभिमन्यु पीछे बैठकर मोबाइल में मैप देखकर उसे रास्ता दिखा रहा था। युग बाइक चलाते हुए कहता है, यार ये मैप हमें सही लोकेशन पर तो ले जा रहा है ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम बार बार एक ही जगह से गुजर रहे हैं। अभिमन्यु मैप देखते हुए कहता है, अरे सही रास्ते पर जा रहे हैं यार हम लोग, वो क्या है ना यहाँ पर पहाड़ी वाला इलाका है ना, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है कि हम एक ही रास्ते से गुजर रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, अभी आगे जब मार्केट शुरू हो जाएगा ना तब देखना कैसे हर रास्ते अलग लगेंगे तुझे, यहाँ से राइट मोड़। युग राइट साइड मोड़ लेता है। बातें करते करते युग और अभिमन्यु आगे बढ़ते जा रहे थे। जैसे जैसे अभिमन्यु रास्ता बताते जा रहा था, युग उस साइड बाइक को मोड़ते जा रहा था। कुछ ही देर में वो लोग गुवाहाटी के मार्केट के अंदर घुस जाते हैं। अभिमन्यु मैप में रास्ता देखते हुए कहता है, यहाँ से लेफ्ट मोड़, यहाँ से सीधा जाने दे, अरे जाने दे ना, हाँ अब राइट ले, आगे से टर्न, आगे से और आगे, अब एकदम सीधे जाने देना, कहीं मत मोड़ना जब तक मैं ना बोलूं, अरे हाँ हाँ जाने दे, अरे लेफ्ट लेना, क्या कर रहा है, बस थोड़ा और आगे है, हाँ यही बस, हाँ पहुंच गए, यहीं पर रुक दे, यही है फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन हाउस, यहीं पर मिल सकती है तेरे पापा की यक्षिणी वाली किताब। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। अभिमन्यु बाइक से नीचे उतर जाता है। अभिमन्यु के साथ ही युग भी बाइक से उतर जाता है। युग अपने चारों तरफ नजरें घुमाते हुए कहता है, अभिमन्यु तू पक्का सही एड्रेस पर लाया है ना, कहीं हम गलत एड्रेस पर तो नहीं आ गए। अभिमन्यु बेफिक्र होकर कहता है,
नहीं यार, मैं बिल्कुल सही एड्रेस पर लाया हूँ। क्यों, क्या हुआ? इतना कहकर अभिमन्यु अपने चारों तरफ देखने लग जाता है। जब वो चारों तरफ अपनी नजरें घुमाता है तो शॉक्ड हो जाता है और अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, यार अब तो मुझे भी लग रहा है कि हम गलत जगह पर आ गए हैं। पर ऐसा कैसे हो सकता है, मैप ने तो यही एड्रेस बताया था, ये मैप गलत कैसे हो सकता है? अभिमन्यु और युग के चारों तरफ मोबाइल, मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल कवर, स्क्रीन गार्ड की शॉप थी। उन दोनों के मुताबिक वहां पर बुक मार्केट होना चाहिए था, पर वहां पर मोबाइल का मार्केट था। उस एरिया में एक भी बुक्स की दुकान नहीं थी। युग अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, यार हमें तो बुक्स वाले मार्केट में होना चाहिए था, हम तो मोबाइल मार्केट में पहुंच गए। यहाँ पर तो हर जगह मोबाइल की ही दुकानें हैं, वो भी एक से बढ़कर एक। अभिमन्यु भी अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, हाँ यार मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, मैप में तो बुक मार्केट और फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशंस का यही एड्रेस डला हुआ है, ये कैसे हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं बुक मार्केट और फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन की शॉप आसपास हो? रुक, मैं किसी से पूछ कर देखता हूँ। हाँ देख पूछ कर, भगवान करे ऐसा ही हो, वरना पता नहीं क्या होगा। युग और अभिमन्यु के पास से ही एक आदमी निकल कर जा रहा था। अभिमन्यु उसे रोकते हुए पूछता है, अरे भाई साहब सुनिए। वो आदमी कहता है, हाँ बोलो। अभिमन्यु पूछता है, यहाँ आसपास कहीं पर बुक्स मार्केट है क्या? वो आदमी सोचते हुए कहता है, क्या कहा, बुक्स मार्केट, वो भी यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर आसपास तो कोई बुक मार्केट नहीं है। लगता है आप गलत जगह पर आ गए हैं, यहाँ आसपास 3-4 किलोमीटर के इलाके तक कोई बुक मार्केट नहीं है। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। युग और अभिमन्यु उस आदमी की बात सुनकर उदास हो जाते हैं। युग चिढ़ते हुए कहता है, मैंने कहा था ना तुझे हम गलत जगह पर आ गए, पर तूने मेरी बात नहीं मानी, अब देख उसका नतीजा, ये सब ना तेरी वजह से हुआ है। मुझे ना तुझ पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था, पता होना चाहिए था तू हमेशा गलत रास्ते ही दिखाया करता है। यार तू मुझ पर चिढ़ क्यों रहा है, अब इसमें मेरी क्या गलती है यदि मैं अपने एड्रेस गलत बताया तो? मैं तो तुझे उसी एड्रेस पर लाया हूँ ना जो इसमें डला हुआ था। तू रुक, मैं किसी और से पूछ कर देखता हूँ, किसी ना किसी को तो पता ही होगा, हो सकता है उस आदमी को पता ना हो। अक्सर जब किसी को रास्ता नहीं पता होता है तो वो सामने वाले को गलत रास्ता बता दिया करता है। अभिमन्यु के सामने ही मॉडर्न ड्रेस पहनकर एक लड़की खड़ी हुई थी जो मोबाइल चला रही थी। अभिमन्यु उसके पास जाकर उससे पूछता है, एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरी एक हेल्प कर सकती हैं? वो लड़की मोबाइल चलाते हुए ही जवाब देती है, ऑफ कोर्स, बोलो क्या हेल्प कर सकती हूँ मैं तुम्हारी। अभिमन्यु पूछता है, यहाँ पर आसपास कोई बुक्स मार्केट है क्या या फिर कोई पब्लिकेशन हाउस? वो लड़की फिर अपना मोबाइल चलाते हुए जवाब देती है, देखो मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं यहाँ पर नई आई हूँ, आप एक काम कीजिए मैप पर सर्च कर लीजिए। अभिमन्यु मन ही मन कहता है, मैप की ही बदौलत तो यहाँ आकर फंस गए हैं। अभिमन्यु और युग मिलकर 4-5 लोगों से बुक मार्केट और पब्लिशर के बारे में पूछते हैं, पर किसी को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं था। किसी का कहना था कि वो दोनों गलत जगह पर आ गए थे, तो किसी का कहना था कि यहाँ आसपास ऐसी कोई जगह ही नहीं है। वो दोनों आधे घंटे के अंदर हार मान लेते हैं और थक कर बेंच पर बैठ जाते हैं। युग उदासी के साथ कहता है, लगता है वो पब्लिशर यहाँ का है ही नहीं, कहीं और का ही होगा, तभी तो नहीं मिल रहा, उसका फोन भी नहीं लग रहा कि उससे पूछ लें। हाँ यार सही कहा, मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, अब क्या करें? क्या कर सकते हैं, चल ग्रेवयार्ड कोठी वापस। हाँ चल। इतना कहकर युग और अभिमन्यु बेंच पर से उठ जाते हैं। उन दोनों ने वापस जाने के लिए अभी अपनी बाइक की तरफ कदम बढ़ाया ही था कि तभी युग की नजर फुटपाथ पर पड़ती है और वो वहीं रुक जाता है। युग को रुकता हुआ देखकर अभिमन्यु पूछता है, क्या हुआ युग, तू रुक क्यों गया, घर नहीं चलना क्या? युग सामने देखते हुए कहता है, जरा वो सामने देख फुटपाथ पर। जब अभिमन्यु सामने नजरें करता है तो देखता है कि फुटपाथ पर ही एक सेकेंड हैंड बुक स्टॉल की दुकान थी, जहां पर एक करीब 55-60 साल का बुढ़ा बैठकर किताब पढ़ रहा था। उस बुढ़े के पास कई पुरानी फटी किताबें रखी हुई थी। युग उस बुढ़े को देखकर कहता है, यार अभिमन्यु तूने एक बात नोटिस की, इस पूरे इलाके में हर जगह मोबाइल की शॉप है, बस यही एक किताब की दुकान है, वो भी फुटपाथ पर। हो सकता है इसे कुछ पता हो बुक मार्केट या पब्लिशर के बारे में, चल चल कर पूछते हैं। यार मुझे नहीं लगता इसे कुछ पता होगा, उसकी हालत देख, मुझे तो लग रहा है उसका गुजारा भी नहीं हो पा रहा होगा, पता नहीं क्यों खोल कर रखी है किताब की दुकान। हाँ वो तो है, पर हमने इतने सारे लोगों से पूछा है तो इससे पूछने में क्या जाता है। तेरा भी कहना ठीक है, चल पूछ ले इससे भी। युग और अभिमन्यु उस बुढ़े के पास पहुंच जाते हैं। उस बुढ़े ने अभी भी अपनी नजरें किताब पर जमाई हुई थी और बड़े ही ध्यान से किताब पढ़ रहा था। उसे तो पता भी नहीं था कि उसकी दुकान पर कोई खड़ा हुआ था।
युग जानबूझकर खांसते हुए कहता है, सुनिए दादा। वो बूढ़ा किताब पर से अपनी नजरें हटाता है और युग से कहता है, हाँ बोलो, कौन सी किताब दूं? रक्त मंदिर, खूनी पिशाच, कैदी आत्मा, बेगानी रूह, राज भारती की, वेद प्रकाश शर्मा की, या फिर मंटो की एक से बढ़कर एक किताब है मेरे पास, या फिर वो परीक्षा वाली किताब चाहिए? अगर वो चाहिए तो वो नहीं है मेरे पास, सिर्फ साहित्यिक किताबें ही हैं मेरे पास, वो सरकारी नौकरी वाली नहीं रखता मैं। जिसे देखो रट्टू तोते वाली किताबें पढ़नी है, साहित्यिक किताब तो कोई पढ़ता ही नहीं अब। युग उस बूढ़े को टोकते हुए कहता है, वो दादा हमें कोई किताब नहीं खरीदनी। वो बूढ़ा युग पर भिन्नाते हुए कहता है, अगर किताब नहीं खरीदनी तो यहाँ पर क्यों आए हो? मेरा वक्त क्यों खराब कर रहे हो? इतनी अच्छी किताब पढ़ रहा था, पूरा मूड खराब कर दिया। अभी देवदास पारो से बिछड़ने ही वाला था कि तुम दोनों आ गए। अभिमन्यु मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? देवदास पारो से बिछड़ने वाला था? ये आप किताब पढ़ रहे हैं या फिर देवदास फिल्म देख रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किताब के अंदर मोबाइल छुपाकर फिल्म देख रहे हैं शाहरुख खान की? अभिमन्यु की बात सुनकर वो बूढ़ा गुस्से से उबल जाता है और अभिमन्यु पर बरसते हुए कहता है, तुम आजकल के नौजवानों को तो कुछ पता ही नहीं है। भूलो मत, देवदास फिल्म अपने शरदचंद चट्टोपाध्याय ने लिखी थी, उसी पर फिल्म बनी है। युग धीरे से अभिमन्यु से कहता है, यार तू क्यों फालतू के सवाल पूछकर दादा का ब्लड प्रेशर हाई कर रहा है? जो काम करने आए हैं वो करते हैं ना? युग उस बूढ़े से पूछता है, वो दादा हम जानना चाहते थे कि यहाँ आसपास कोई बुक मार्केट है क्या? वो बूढ़ा कहता है, हाँ है ना बेटा। उस बूढ़े की बात सुनकर युग और अभिमन्यु खुश हो जाते हैं। वो दोनों खुशी से फूले नहीं समाते। युग एक्साइटेड होते हुए कहता है, कहाँ पर है दादा, बताइए ना, मैं जब से सबसे पूछ रहा हूँ, कोई बता ही नहीं रहा था बुक मार्केट के बारे में। अच्छा हुआ आपसे पूछ लिया, अब आप ही बताइए वो कहाँ पर है। वो बूढ़ा जवाब देता है, बेटा तुम बुक मार्केट में ही तो खड़े हो। अभिमन्यु अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? हम दोनों बुक मार्केट में खड़े हैं, पर वो हमें दिख क्यों नहीं रहा? हमें तो बस यहाँ मोबाइल की ही शॉप दिख रही है। बूढ़ा कहता है, ये मोबाइल की ही तो शॉप बुक मार्केट है। युग हैरानी के साथ कहता है, मतलब दादा? मतलब ये बेटा कि आज से 10-12 साल पहले इसी जगह पर बुक मार्केट हुआ करती थी, पर जैसे जैसे वक्त बदला, किताबों की जगह मोबाइल ने ले ली और बुक मार्केट की जगह मोबाइल मार्केट ने। किताबें पढ़ता ही कौन है आजकल? जिसे देखो वो दिन भर अपनी उंगलियां मोबाइल पर ही तो घिसता रहता है, इसलिए वो बुक मार्केट बंद हो गया और उसकी जगह ये मोबाइल का मार्केट शुरू हो गया। बूढ़े की बात सुनकर युग और अभिमन्यु उदास हो जाते हैं। वो बूढ़ा अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, टेक्नोलॉजी अच्छी तो होती है, पर कहते हैं ना किसी भी चीज की अति हानिकारक होती है। उसी का फल है कि आजकल के युवाओं को कुछ पता ही नहीं है। पता भी कैसे होगा, मोबाइल चलाने से तो फुर्सत मिले, उन्हें क्या पता किताबों के पन्नों की महक क्या होती थी। उन्हें तो बस सब डिजिटल चाहिए, इस डिजिटल ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अभिमन्यु अपने हाथ में मोबाइल ही पकड़े हुए था। वो झट से अपना मोबाइल अपनी जेब में रख लेता है। युग पूछता है, वो बाबा इसी बुक मार्केट में एक पब्लिकेशन हाउस था, उसका नाम फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन हाउस था, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? बूढ़ा जवाब देता है, अरे उसके बारे में कौन नहीं जानता, उस जमाने का नामी पब्लिकेशन हाउस था। किताबें आते से ही मार्केट में बिक जाती थी, लोग तो पहले से बुकिंग कराते थे, एक से बढ़कर एक किताबें छापा करता था वो पब्लिकेशन हाउस। उसका एक नामी लेखक था, क्या नाम था उसका, हाँ याद आया, अनुराग, यही नाम था उस लेखक का। क्या तो लिखता था वो लेखक, पूरी की पूरी हॉरर उपन्यास, उसकी कहानियों से लोगों के दिल दहक जाते थे। सच कहूं तो वो पब्लिकेशन हाउस सिर्फ अनुराग बाबू की ही किताबों पर चलता था। युग धीरे से कहता है, वो पापा थे मेरे। वो बूढ़ा खुश होते हुए कहता है, अच्छा तो तुम हो लेखक बाबू के बेटे, बड़े ही बढ़िया लेखक थे तुम्हारे पापा, क्या तो लिखते थे। मेरे पास उनकी 3-4 किताबें अभी भी रखी हुई हैं, तुम बोलो तो दूं। अभिमन्यु झट से पूछता है, क्या आपके पास उनकी ऐसी कोई किताब है जो यक्षिणी पर हो? बूढ़ा कहता है, क्या कहा, यक्षिणी पर? नहीं, ये किताब तो नहीं है मेरे पास, पर हाँ हम सुने थे वो यक्षिणी पर कोई सी किताब लिख रहे थे। न्यूज़पेपर में उनकी इसी किताब के बारे में छपा भी था कि आने वाली उनकी अगली किताब यही थी, पर उससे पहले ही बेचारे भगवान को प्यारे हो गए। अभिमन्यु पूछता है, क्या आपको कुछ पता है कि वो मार्केट में कब आने वाली थी? क्या वो किताब पूरी हो गई थी? वो हमें क्या पता, वो तो उस पब्लिशर को पता होगा ना जिसके पास से उनकी किताब पब्लिश होने वाली थी।
हम सुने थे कि यही फ्लाई ड्रीम के पास से पब्लिश होने वाली थी। युग फटाक से पूछता है, क्या आप बता सकते हैं अभी फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन हाउस कहां पर शिफ्ट हो गया है? शिफ्ट की क्या बात करते हो बेटा, वो तो बंद हो गया कब का। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा, बंद हो गया है? हाँ, हम बताए तो थे अभी कि फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन हाउस सिर्फ तुम्हारे पिता की किताबों पर चलता था। एक ही तो लेखक था उनके पास, बढ़िया धांसू सा। तुम्हारे पापा का देहांत होने के बाद वो पब्लिकेशन हाउस भी 6-7 महीने के अंदर ही बंद हो गया था। अभिमन्यु उदासी के साथ कहता है, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। बूढ़ा कहता है, हाँ वो तो है, पर हाँ यदि तुम उस पब्लिशर से मिलना चाहो तो मिल सकते हो, वो इसी शहर में रहते हैं, ये जो गुवाहाटी के पास गांव पड़ता है ना, वहां पर ही रहते हैं। युग हैरानी के साथ पूछता है, आपको कैसे पता है उस पब्लिशर और मेरे पापा के बारे में इतना कुछ? पता कैसे नहीं होगा, मैं भी तो पहले वहीं पर काम करता था उस पब्लिशर के पास। बूढ़े की बात सुनकर युग और अभिमन्यु और शॉक्ड हो जाते हैं। वैसे तो मैं लेखक बनने गया था, पर लेखक बनना सबके बस में नहीं होता। कहानियां तो सबके पास होती हैं, पर असली लेखक वो होता है जिसे उस कहानी को पन्नों पर उकेरने का हुनर पता होता है। मैं उसी पब्लिकेशन हाउस में हेल्पर के रूप में काम करने लग गया था। जब पब्लिकेशन हाउस बंद हुआ तो मेरी रोजी रोटी भी बंद हो गई थी, पर किताबों से मुझे बड़ा लगाव था। सोच लिया था, चाहे कुछ भी हो इन्हें नहीं छोड़ूंगा, इसलिए ये जो जगह देख रहे हो ना, यहीं पर पहले पब्लिकेशन हाउस था। वहीं पर अपना सेकेंड हैंड बुक की दुकान खोल ली। अब किताबें पढ़ भी लेता हूँ और बेच भी देता हूँ। अभिमन्यु धीरे से पूछता है, गुजारा हो जाता है आपका? गुजारा तो नहीं होता, पर दिल को तसल्ली मिलती है, एक अलग ही सुकून देती है ये किताबें मुझे। युग उस बूढ़े से अपने पिता की किताबें खरीदता है, उसे पैसे देता है और अभिमन्यु के साथ पब्लिशर के घर जाने के लिए निकल जाता है। उसे पूरी उम्मीद थी कि पब्लिशर के घर उसे यक्षिणी वाली किताब मिल जाएगी। इस तरफ कायर और कछुआ बस के अंदर थे और मेहंदी पथार जा रहे थे। बस के बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। बस के अंदर काफी भीड़ थी, लोगों के लिए बैठने के लिए भी जगह नहीं थी, इसलिए बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। 30 लोगों की कैपेसिटी वाली बस में करीब 50 लोग थे। कछुआ और कायर साथ साथ ही बस की सेकेंड लास्ट सीट पर बैठे हुए थे। कायर कछुए पर गुस्सा होते हुए कहता है, कछुए तुझे बोला था ना मैंने छाता रख ले बारिश होगी, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। अब देख रहे हैं ना कितने जमकर बादल बरस रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बादल फट गए हो। कछुआ कहता है, यार अब इसमें मेरी क्या गलती है, तूने खुद देखा था ना जब निकले थे तब बिल्कुल भी बादल नहीं थे, पर पता नहीं कहां से आ गए अचानक से। कछुए तू भूल कैसे सकता है, हम लोग मेघालय में रहते हैं और यहाँ पर कभी भी बारिश होती रहती है, अब तेरे कारण भीगते हुए पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। अरे नहीं भीगेंगे यार, मेहंदी पथार बस स्टॉप के सामने ही तो पुलिस स्टेशन है, देखना हम दौड़ लगाते ही पहुंच जाएंगे। कायर मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ देखता हूँ कैसे दौड़ लगाता है तू कछुए, तू ये मोबाइल क्यों चला रहा है जब से बस में बैठा है, जेब में रख ले। कछुआ शर्माते हुए कहता है, अगर जेब में रख लूंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि वर्चू जी ने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है या नहीं। कछुए तू ना सही में पागल हो गया है, सुन ले वैसे ही तू बहुत हरकतें पटक चुका है, अब वापस से पुलिस स्टेशन जाकर कोई बखेड़ा खड़ा मत कर देना। कायर ने इतना ही कहा था कि तभी बस कंडक्टर कहता है, मेहंदी पथार बस स्टॉप। कायर आवाज लगाते हुए कहता है, हाँ भैया यहीं रोक दो। कायर और कछुआ अपनी सीट से उठते हैं और आगे जाने लग जाते हैं। कछुए ने अभी भी अपने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था। बस के अंदर काफी भीड़ थी जिस कारण कायर और कछुए को उन्हें साइड करते हुए आगे जाने में दिक्कत हो रही थी। कछुआ और कायर लोगों को हटाते हुए बड़ी मशक्कत के साथ आगे बढ़ रहे थे कि तभी अचानक से कछुए के हाथ से उसका मोबाइल छूट जाता है और नीचे गिरने लग जाता है। कछुआ अपना मोबाइल पकड़ पाता उससे पहले ही उसका मोबाइल बस के अंदर ही नीचे रखी एक मछली की टोकरी के अंदर जाकर गिर जाता है। उस मछली की टोकरी के अंदर कई सारी मछलियां रखी हुई थी जिसके अंदर कछुए का मोबाइल गिर चुका था। कछुआ अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, अरे लो हो गई गड़बड़। कछुआ नीचे झुककर उस मछली की टोकरी में से अपना मोबाइल निकालने लग जाता है, तभी एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, अरे ओ बाबू कहाँ हाथ डाल रहे हो। जब कछुआ अपना सिर ऊपर करता है तो देखता है कि बस की सीट पर ही एक लड़की बैठी हुई थी। उस लड़की ने साड़ी पहनी हुई थी और चेहरे पर पल्लू रखा हुआ था जिस कारण उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, पर उसकी वेशभूषा से समझ में आ रहा था कि वो मछुआरन थी। वो लड़की कहती है, शर्म नहीं आती बाबू इस तरह किसी की अमानत में हाथ डालते हुए। कछुआ उस लड़की का चेहरा देखने के लिए उतावला होने लग जाता है और झुककर उस लड़की का चेहरा देखने लग जाता है।
वो जानना चाहता था कि जिस लड़की की इतनी प्यारी आवाज थी असल में वो दिखती कैसी होगी। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।